दोस्तों अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ इस पर लगातार सुनवाई कर रही है और आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि रंजन गोगोई ने ये साफ साफ कहा था कि जितने भी पक्षकार हैं अपनी जो दलीलें हैं वो 18 अक्टूबर से पहले पहले रख दें, उसके बाद हम उनकी दलीलें नहीं सुनेंगे। जिसको लेकर के अब जितने भी पक्षकार इसमें हैं सभी ने अपने अपने पक्ष रख दिए हैं और अब हम आपको बता दें अयोध्या राम जन्मभूमि का जो विवाद है उसका जो है फैसला अब आने वाला है और ये सुनवाई अब अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे मन में, आपके मन में, सभी के मन में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये फैसला किसके पक्ष में जाएगा। तो चलिए मैं आज इसके समीकरण के ऊपर नज़र डाल के आपको बताऊंगा कि इस केस में आखिर क्या कुछ हो सकता है और किस पक्ष के खाते में ये फैसला जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का केस जो है शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जाए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को पता होगा जैसे ही इस केस की सुनवाई आखिरी पड़ाव में आ चुकी है वैसे ही आप लोगों को ये भी पता होगा कि अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि वहां पर धारा 144 लागू हो चुकी है क्योंकि अयोध्या राम जन्मभूमि की सुनवाई लगभग आखिरी पड़ाव में है और आज हो सकता है इसका अंतिम दिन होगा। ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों जो दलीलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मोड़ पर इस केस को पहुँचा चुकी हैं। दोस्तों हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आज 39वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार के वकील के पराशरन ने मस्जिद बनाए जाने को ऐतिहासिक भूल करार दे दिया था। वहीं आपको बता दूं मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश की गई दलीलों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवाई और यह एक ऐतिहासिक भूल की गई थी जिसे सुधारने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि अयोध्या में 15 से 60 मस्जिदें हैं और मुस्लिम समुदाय किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन विवादित स्थल ही भगवान राम का जन्म स्थान और वह जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता, यह बात कही गई थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा गया था कि अगर हिंदू पक्ष ये कहता है कि उनका अधिकार और उनका जो बाबरी मस्जिद का एक यानी कि लैंड है वो उनका है तो वो उस पे सबूत पेश करें, जिस पे वो सबूत नहीं पेश कर पाए हैं दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों ये खबर आ रही है कि एक बार फिर से ये विवाद बढ़ चुका है और इस पे अब अंतिम पड़ाव पे ये सुनवाई, तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता दोस्तों कि ये फैसला किस पक्ष के खाते में जाएगा। दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है किसके खाते में ये फैसला जाए, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।